state government employees, central government employees, public sector employees और private sector के सभी employees का कभी ना कभी interstate transfer होता रहता है। ये लोग अपने सभी vehicle में BH वाली number plate लगवा सकते हैं। इसे लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके क्या benefits हैं और सबसे जरूरी बात कि इसे लगवाने से क्या आपकी जेब का बोझ कम होगा या बढ़ेगा, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। फिलहाल जो इंटरस्टेट ट्रांसफर पॉलिसी है उसके बारे में भी बात करेंगे ताकि आपको कंपेयर करके समझने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कोई एक व्हीकल है और आप इसे दूसरे स्टेट में यूज कर रहे हैं तो 12 महीने तक तो बिना किसी भी दिक्कत के आप उस व्हीकल को यूज कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने के बाद आपको कंपलसरी उस स्टेट में उस व्हीकल को पासिंग करवाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो RTO के नियम के मुताबिक आपको उस व्हीकल पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। फिलहाल जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो बहुत ही पेचीदा है, जिसके लिए आपको दोनों स्टेट के RTO के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जहां पर से व्हीकल ट्रांसफर करवाना है और जहां पर व्हीकल ट्रांसफर करना है। पुराने स्टेट के RTO से आपको एक NOC निकलवाना पड़ेगा और वो NOC निकलवाने के बाद अगर आपने अपना व्हीकल नए स्टेट में ट्रांसफर नहीं करवाया तो उस NOC को आपको कैंसिल भी करवाना होगा। ये बहुत ही जरूरी है और उसे कैंसिल करवाने के लिए आपको 5,000 या 10,000 तक की फीस भरनी पड़ती है और ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी करती है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद आपको नए स्टेट का रोड टैक्स पे करना होगा और उसके बाद आप अपने पुराने स्टेट में पे किया हुआ रोड टैक्स रिफंड ले सकते हैं। अब ये रिफंड लेने का प्रोसेस इतना पेचीदा है कि वो तो जिसने रिफंड लिया है और कितने पापड़ बेल के लिया है वो तो वो कस्टमर ही जानता होगा। अगर आप में से किसी को ये रिफंड लेने के प्रोसेस में कितने पापड़ पेलने पड़ते हैं ये एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से कस्टमर और RTO दोनों को छुटकारा मिले, ऐसी सोच के साथ भारत सरकार ने 27 अगस्त 2021 को BH सीरीज के लिए एक गैजेट पब्लिश किया और 15 सितंबर 2021 को पूरे इंडिया में इसे लागू भी कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं BH सीरीज के फॉर्मेट के बारे में। स्क्रीन पर अभी आपको BH सीरीज का एक फॉर्मेट दिख रहा होगा जिसमें 21 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद BH जो भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद 4 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो 1 से लेकर 9999 तक कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद अल्फाबेट्स जो AA से लेकर ZZ तक कुछ भी हो सकता है, जिसमें गवर्नमेंट ने I और O अल्फाबेट्स को शामिल नहीं किया है। शुरुआत में तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया, लेकिन अब हम डिटेल में जानते हैं कि BH सीरीज की नंबर प्लेट भारत में कौन कौन से नागरिक अपने व्हीकल में लगवा सकते हैं। डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज और प्राइवेट सेक्टर के वो एम्प्लॉयज जिनकी कंपनी के ऑफिस मिनिमम इंडिया के 4 स्टेट में अवेलेबल हो, वैसे भारत के सारे नागरिक इसे अपनी नंबर प्लेट पर लगवा सकते हैं। और साथ में आपको यह भी बता दें कि फिलहाल BH सीरीज की नंबर प्लेट केवल प्राइवेट पासिंग व्हीकल्स को ही लागू होगी, टैक्सी पासिंग व्हीकल्स को नहीं। चलिए अब जानते हैं कि BH सीरीज के लिए टैक्स स्लैब कैसा होगा। अगर पेट्रोल व्हीकल की बात करें तो आपका व्हीकल 10 लाख रुपए से नीचे है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा 8%, 10 से 20 लाख के बीच के व्हीकल के लिए टैक्स देना पड़ेगा 10%, और अगर आपका व्हीकल 20 लाख से ऊपर का है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा 12%। लेकिन अगर आपका व्हीकल डीजल से चलता है तो उसके लिए इन सारे स्लैब में 2-2% की बढ़ोतरी होगी, और अगर आपका व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो उसके लिए इन सारे स्लैब में 2% की कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की कि इसको लगवाना कैसे है और इसके लगवाने से फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा। इसे लगवाने के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह ही इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, जिसके लिए आप सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट करके भी इसका प्रोसेस कर सकते हैं
या फिर आपने जहाँ से व्हीकल परचेज किया है उस डीलर को सारे डॉक्यूमेंट्स देकर और उसे इन्फॉर्म करके वहाँ से भी आप इसके लिए प्रोसेस करवा सकते हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि पूरा टैक्स आपको एक साथ पे नहीं करना है, 14 सालों में ये टैक्स आपको धीरे धीरे प्रीमियम के तौर पर जमा करवाना है और हर 2 सालों में आपको इसका टैक्स पे करना होगा। अगर आप 2 सालों के बाद अपना टैक्स पे करना भूल जाते हैं तो आपको पर डे 100 रुपए पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी के साथ आपको टैक्स पे करना होगा। 14 साल टैक्स पे करने के बाद 15वें साल आपको इसका टैक्स हाफ हो जाएगा और बाद में आपको हर साल इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये तो हुई BH सीरीज के टैक्स स्लैब की बात, जो रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टेट ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा। लेकिन अगर स्टेट रजिस्ट्रेशन टैक्स स्लैब की बात की जाए तो ये अलग अलग स्टेट में 6% से लेकर 12% तक वेरी होगा। चलिए अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन टैक्स स्लैब 6% है। वहाँ पर आप 20 लाख से ऊपर का कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक आपको 6% टैक्स पे करना होगा। लेकिन उसी स्टेट में आप अगर BH सीरीज का पासिंग करवाते हैं तो आपको पेट्रोल व्हीकल के लिए 12% और डीजल व्हीकल के लिए 14% टैक्स पे करना होगा, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की कंपैरिजन में 6-8% ज्यादा है और ये आपके लिए डिसएडवांटेज भी बन सकता है अगर आपका ट्रांसफर किसी और स्टेट में नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि BH सीरीज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू नॉलेज एंड गाइडेंस। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।